साधु सुंदर सिंह काजल 1800 निवासी में पटियाला पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक धनी जमींदार थे, इस कारण सुंदर को सारी सुख सुविधाएं मिली जिसकी उसको जरूरत थी। सुंदर सिंह की माँ एक धार्मिक महिला थी, वह यीशु के बारे में नहीं जानती थी परंतु अपने धर्म में विश्वास करती थी। उसकी माँ सुंदर को एक साधु बनाना चाहती थी। उसकी माँ ने उससे कहा, तुम अपने भाइयों की तरह स्वार्थिक और संसारिक व्यक्ति मत होना, लेकिन तुम मन की शांति की खोज करना जो परमेश्वर से आती है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक साधु बनो जो पूरी तरह परमेश्वर के लिए पर समर्पित हो। वह उसे बड़े साधु और धार्मिक नेताओं के पास ले जाती थी और उसे उनके प्रवचन सुनाने भी ले जाती थी। यहाँ तक कि 7 साल की उम्र में ही भगवद गीता का ज्ञान हो गया था। वह कम उम्र में ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था। सुंदर ने पड़ोस के अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशन स्कूल में अपना पढ़ाई किया, जहां नए नियम बाइबल दैनिक रूप में पढ़ा करता था। इस कारण सुंदर को नफरत था बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल उसके धर्म ग्रंथ से अलग था। जब बाइबल पढ़ाया जाता था, वो शरारती सवालों को पूछकर अड़चन डालता था। वह बाइबल के उपदेशों को पूरी तरह से गलत मानता था। अपने पिता द्वारा दिए गए पैसे से वह बाइबल खरीदता था और उसे फाड़कर जला देता था। वह ईसाई धर्म के प्रचारकों पर पत्थर देता था और दूसरों को करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीन 1 फिनिश्ड। 2 14 साल के उम्र में सुंदर ने अपना माँ खो दिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन का एक प्यारा साथी खो दिया। माँ के मृत्यु के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। सत्य को जानना और शांति को पाने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। ग्रंथों के द्वारा जो भी उसने सीखा, उसे वो शांति अनुभव नहीं कर सका। उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया था। 3 दिन बाद उसने अपने पिता के सामने बाइबल जला दिया। रात को 3 बजे उठकर वो अपने आप से कहा, हे भगवान, तुम अगर सच हो तो मुझे सही रास्ता दिखा, या मैं अपने आप को मार डालूंगा और अपने घर के बगल से हर दिन सुबह 5 बजे होने वाली पंजाब में के सामने गिरकर आत्महत्या करूंगा। उसे लगा कि इस तरह वह अगले जन्म में शांति प्राप्त करेगा। वह अपने कमरे में एक बार फिर प्रार्थना दोहराया। अचानक वह एक शानदार प्रकाश देखा। उसे लगा कि उसके कमरे में आग लग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह प्रकाश उसके प्रार्थना का जवाब हो सकता है। हालांकि उस प्रकाश में यीशु का चेहरा नजर आया। उसने एक आवाज सुनी, मैं यीशु हूँ जिसे तुम परेशान कर रहे हो। तुम सही रास्ते के खोज में हो, मैं ही मार्ग हूँ। यदि आज मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम उदार
पाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो हमेशा के लिए नाश हो जाओगे। सुंदर ने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्रार्थना का जवाब मसीह होगा। उसी क्षण वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किया। उसने उस शांति को महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। सीट टू फिनिश्ड, सीट थ्री बिगिंस। उसकी 16वें जन्मदिन पर उन्होंने शिमला के चर्च में एक ईसाई के रूप में बपतिस्मा लिया। सुंदर सिंह लाहौर के सेंट जॉनसन बाइबल स्कूल से धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन काल में अनेक यात्राएं की। उन्होंने पूरे भारत, सिलोन, मलेशिया, जापान, चीन, पश्चिम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। हर गर्मियों में तिब्बत का दौरा करते थे। तिब्बत एक बौद्ध राष्ट्र था और ईसाई मिशनरियों के लिए हमेशा आना मना था। सुंदर सिंह को बाइबल के लिए तिब्बत के लिए बहुत बोझ था। यह उसका मिशन क्षेत्र बन गया था। वह सुसमाचार को भारत में भारतीय संदर्भ में पेश करना चाहा। वह भारतीय चर्च को पश्चिमी संस्कृति अपने और उनके रिवाजों को नकल करने की विरोध में था। सुंदर सिंह एक साधु बनकर भारत में मसीह का सुसमाचार संदेश पेश करना ही सबसे अच्छा लगा। उसके साधु के भेष के कारण कई गांवों में प्रवेश मिलता था और लोगों को अपने संदेश को सुनाता था। एक अमीर परिवार में पैदा होने पर भी वह साधु का जीवन जीना चुना। उसके पास एक कम बल और उर्दू में एक नया नियम था। वह नंगे पैर अपनी जन्मभूमि और आसपास के गांवों में सुसमाचार सुना कर अपने साधु का जीवन शुरू किया। Sadhu Sunder Singh had received in his vision to call to Tibet. His first journey, 1908, when he was scarcely 19 years of age. Once Sadhu came to a town called Rasa, where he was preaching the gospel. Very soon, the news spread to the head Lama in town. He was arrested and brought before the head Lama on the charge of entering the country and preaching the gospel of Christ. He was found guilty and addressed a crowd of evil disposed persons. He was led away to a place of execution. Sadhu was sentenced to put in the well. Arrived at the place, he was beaten with such violence that his right arm was injured and he stripped off his clothes and cast into the dark depths of his ghastly well. Many others had gone down the same well before him, never to return. In the words of his Savior, he cried, "Why hast thou forsaken me?" Day passed into night, making no change in the darkness of his awful place and bringing no relief by sleep. Without food or even water, the hours grew into days, and Sundar felt he could not last much longer. On the third night, just when he had been crying to God in prayer, he heard a grating sound overhead. Someone was opening the lock of lid of his dismal prison. He heard the key turn and the rattle of the iron covering as it was drawn away. Then a voice reached him from the top of the well, telling him to take hold of the rope that was being let down for his rescue. As the rope reached him, he grasped it with all his remaining strength and was strongly and gently pulled up from the evil place into the fresh air above. When he arrived at the top of the well, the lid was drawn over again and locked. When he looked around, his deliverer was nowhere to be seen, but the pain in his arm was gone and the clear air filled him with new life. All that the sadhu felt able to do was to praise God for his wonderful deliverance back in the city. Back in the city at his old work,
again was cause for a great commotion. The news was quickly taken to Lama. The sadhu was again arrested and brought to the judgment seat. And being questioned as to what happened, he told the story of his marvelous escape. The Lama was greatly angered, declaring that someone must have secured the key and gone to his rescue. But when he searched for mate for the key and it was found on his griddle, he was speechless with amazement and fear. He then ordered Sunder to leave the city and get away as far as possible, lest his powerful god should bring some unknown, untold disaster upon himself and his people. In 1929, against all his friends' advice, Sunder determined to make one last journey to Tibet. Sadhu Sunder Singh disappeared in the foothills of Himalayas in 1929. As a Christian witness, he had been rejected. Yeah.